सुपरस्टार कार्थी ने अपनी कई फिल्मों के जरिए अपनी पहचान एक पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पर बना ली है। उन्हें लोग अब पैन इंडिया जानने लगे हैं। उनकी आने वाली कई फिल्मों के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब कार्थी बहुत ही जल्द अपनी एक और फिल्म लेकर आने वाले हैं। कार्थी की आने वाली नई फिल्म का नाम है जापान। हमें तो लगता है कि फिल्म में जापान से कुछ कनेक्शन भी देखने को मिलने वाला है, पर अभी इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिल्म का अभी तक हमें टीजर या वीडियो कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इसीलिए फिल्म की स्टोरी को लेकर अभी कुछ कह नहीं सकते। आने वाले कुछ दिनों में हमें फिल्म का टीजर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे फिल्म की स्टोरी को लेकर काफी कुछ साफ हो जाएगा। तब तक फिल्म की स्टोरी को जानने के लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं और फिल्म में हमें लीड रोल में कार्थी ही देखने को मिलेंगे और उनके साथ साउथ के कॉमेडियन वेस्ट एक्टर सुनील भी देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म में फीमेल रोल की, तो फिल्म में हमें साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनु इमानू देखने को मिलेंगी। और बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक राजू मुर्गन के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। सभी लोग इस फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, पर हिंदी ऑडियंस के लिए एक बुरी खबर है। मेकर्स की तरफ से हिंदी में रिलीज करने की अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर खबरों की माने तो जापान फिल्म को हिंदी में रिलीज करने के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है। वहीं बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस फिल्म को 2023 के एंडिंग तक रिलीज किया जा सकता है और खबरों की माने तो फिल्म का राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, यानी कि फिल्म को रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज कर दिया जाएगा। जापान फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।